तो गाइस जब हम लोग निकल चुके हैं घर से उसको लेने के लिए, हम लोग एयरपोर्ट अब पहुंचने वाले हैं और वो भी अब पहुंचने वाली है रांची एयरपोर्ट पे। तो गाइस जब हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और ये रहा देखिए एयरपोर्ट का एंट्रेंस, यहाँ से एंट्रेंस। और देखिए माधुरीपुरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज है कि मेरी बेटी आने वाली है, बड़ी वाली बेटी आने वाली है, तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं कि काफ़ी दिन के बाद आ रही है। और मेरी नतनी है जी, क्योंकि इतनी में गई थी, अब इतनी बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है तो सबको मिलने का मन है कि कब देखें कब देखें। तो अभी सब लंच कर लिया है, अभिषेक और अभिनीश लंच करके जाएगा लाने के लिए अपनी बहन को, एयरपोर्ट जाएगा। तो वहाँ एयरपोर्ट का टाइम कितना है सो तो हमको नहीं पता है, लेकिन टाइम क्या है सो तो अभिषेक को मालूम है। तो अभी वो निकलेगा ये लोग और हम अपना घर में तैयारी कर रहे हैं अपना उसका आने का। तो गाइस जब हम लोग निकल चुके हैं घर से और जो मेरी सिस्टर आ रही है उसको लेने के लिए हम लोग एयरपोर्ट अब पहुँचने वाले हैं और वो भी अब पहुँचने वाली है रांची एयरपोर्ट पे। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं। देखिए यहाँ पे अभिनीश भी है और अभिनीश भी चल रहा है, तो मैं और अभिनीश दोनों जा रहे हैं दी को लाने के लिए। तो चलिए अब एयरपोर्ट चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि दी काफ़ी दिनों के बाद अब हम लोग मिल रहे हैं दी से अपनी, और काफ़ी एक्साइटेड भी हैं हम लोग मिलने के लिए, और मम्मी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और मम्मी अभी आ नहीं पाई है एयरपोर्ट क्योंकि दीदी को लेके हम लोग को जाना ही है फिर घर। तो अब हम लोग तुरंत एयरपोर्ट पहुँच के फिर दी को लेके घर जाएंगे और फिर देखिए आगे मम्मी क्या क्या करती है आज, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम लोग सब मिलने वाले हैं आज। तो गाइस आज का वीडियो स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज दी आ रही है मेरी और मेरी भगनी भी आ रही है मीशो, तो वो लोग से भी आज आप लोगों को अच्छे से मिलवाऊंगा। गाइस अब हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और ये रहा देखिए एयरपोर्ट का एंट्रेंस, यहाँ से एंट्रेंस। और देखिए ये फ्लैग भी होस्ट हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। देखिए तो गाइस अब हम लोग एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं और दी अभी अंदर में बैगेज ले रही है, अभी दी से बात हुआ, अभिनीश ने अभी कॉल किया था। और देखिए ये रहा रांची एयरपोर्ट, देखिए। और अभी दी एग्जिट वाले गेट से आएगी बाहर और अभिनीश भी यहाँ पे मेरे साथ है, वेट कर रहे हैं हम लोग। तो जल्दी से दी आएगी तो हम लोग फिर घर चलेंगे और आप लोग को अभी मिलवाते हैं थोड़ी देर में। दी जैसे ही निकलेगी एयरपोर्ट से, जब एग्जिट होगी तो मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा उससे, दी से और अपनी भगनी से। तो गाइस देखिए अभी दी आ गई है और मिसू भी साथ में, नटखट से नटखट मिसू आज पहुंच चुकी है। देखिए मामा के गोदी में, बहुत बहुत बदमाश है ये लड़की, बहुत बदमाश है, बहुत बदमाशी करती है। और देखिए दी भी मिल गई है, तो चलिए आ गई है। देखिए काफी स्लिम ट्रिम हो गई है लग रहा है, खाना नहीं खा रही अच्छा से क्या है। तो देखिए मिसू देखिए कितनी प्यारी है, जो मेरी भगनी है देख लीजिए इसको मामा के गोद में। ए लड़की तुम बहुत बदमाशी करती हो ना, अभी मम्मा के गोद में जाएगी। अरे अरे रोना नहीं मिसू, अरे मिसू क्यों रो रही, बाबू क्यों रो रही है। फ्लाइट ऊपर तंग करते आइए सबको, हाय मिसू हाय, हाय मिसू, मिसू हाय, मिसू हाय, ज़्यादा टाइम हो गया ना इसलिए भूल गए ना मिसू। तो गाइज अब जहाँ पे हमारी कार लगी है वहाँ पे चलते हैं और जल्दी से घर पहुँचते हैं फिर उस साइड में। तो गाइज अब कार जहाँ पे पार्किंग में लगाया है वहाँ पे चलते हैं और फिर निकलते हैं घर। तो गाइज अब हम लोग कार में बैठ रहे हैं और घर चलेंगे। अभिनीश देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे दी और मिसू, देखिए बदमाश को बदमाश, और इसका पूरा बदमाशी अभी आप लोगों को काफी दिन तक देखने को मिलेगा क्योंकि अभी रहेगी घर पे हमारे। डर रही है, डर रही है मामा से, डर रही है मिसू, डर रही है अभी, सोच रही है मामा इसको कौन सा स्ट्रेंजर है, मामा लेके इसको चल जाएगा गायब कर देगा। इसको अपना लगता है, अपना स्ट्रेंजर लगता है ना। हाँ मिसू चलो बैठो, चलो चलो। अब मिसू कार में बैठ रही है, देखिए मोनी का फोन आया था, काट दी, मोनी का फोन आया था ना। अब मिसू बैठ गई है और अभिनीश आगे बैठ रहा है, दी यहाँ पे बैठी है और अभिनीश यहाँ,
और मैं आगे बैठ जाता हूँ, ड्राइव करता हूँ गाइस। तो चलिए अब जल्दी से कार में बैठता हूँ और घर चलता हूँ, क्योंकि पापा मम्मी दोनों काफ़ी एक्साइटेड हैं मिलने के लिए दी से और मिशू से, मिशू से खासकर ज़्यादा। तो चलिए अब जल्दी से घर पहुँचते हैं। देखिए इधर मिशू को, मिशू को देखिए, मिशू मामा के गोद में आ गई है अभी आगे, और आगे आगे मामा के गोद में बैठ गई अभी। देखिए पूरा गिरा दी, देखिए पूरा गिरा दी यहाँ पे दीदी, खोल के गिरा दी सब, खोल के क्यों रखा था उसने? अरे यार पूरा हाथ में गिरा दी, मिसू परेशान कर दी मामा को। देखिए तेरे पहुंचने के लिए, लो इससे पहुंचो, पकड़ो। देखिए नटखट को कहाँ चली गई, ये देख लीजिए, यही है वो नटखट शरारती बच्ची, इसी का खोज हो रहा था, आज मिली है काफी दिनों के बाद। देखिए देखिए इसको भोला वाला शक्ल पे मत जाइए आप लोग, ये काफी बदमाश है, सिर्फ मुंह शक्ल इसका है भोला वाला वाला। इधर देखिए मामा इसके, अब इन्हें इसको देखिए। और यहाँ पे मम्मी अभी कुछ रस्म कर रही है, जो कि जब बेटी घर आती है तो कुछ करना होता है, तो मम्मी अभी कर रही है गेट पे कुछ रस्म है, कुछ रिचुअल्स है, तो वो करके अब दी फिर अंदर आएगी गेट के अंदर अभी, तो मम्मी अभी कर रही है। बहुत बड़ी हो गई है मिशू, सानवी अंदर रूम में है, अभी दूध पिला है मिशू। नाना को सबसे ज्यादा मानती है मिशू, देख लीजिए नाना को तो है, और किसी के पास नहीं जा रही है अभी, जो करती है उसी को भूल जाती है। मम्मी को नहीं याद रखती, अरे अब नहीं हमको भी याद रखी है, रे मेरा हाथ दे दी। हाँ मिशू, हाँ तब शैतानी उतानी कम है कि ज्यादा है? अब तो भूख लग गया मम्मी, अब भूख लगा है तो चलो, भूख लगा तो खाना भी मिलेगा। हम इसे बोले डॉली से पूछे कि क्या खाना बना दे, अभी तो खाना खाने का मन नहीं है, अभी हम आइसक्रीम खाएंगे, ठंडा खाएंगे। अभी आई बोली हमको भूख लगा है भाई। मिशू क्या खाएगी, यहाँ पे दी के लिए मम्मी खाना लगा चुकी है, डॉली आ गई है, डॉली को कस के भूख लगा हुआ है, जब सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं, जबकि एयरपोर्ट पे डोसा खा के आई है, एयरपोर्ट पे डोसा खा के आई, फिर भी इसको भूख लग गया है, सच है खाने में बहुत तेज है, तो हम भी खाना बना के रखे हुए हैं, हमको पता ही है क्या रही है, तो खाना बना के रखे हुए हैं, चलो खा रही है। और मिशू कहाँ गई है? मिशू अभी नाना के पास है, खा रही है। और देखिए इधर अभिनीश भी आ गया है, और अभिनीश कुछ लेके आया है, इसके लिए आइसक्रीम आया स्पेशल वाला। अरे वाह, देखिए आज फिर से आइसक्रीम आया हमारे घर, बटर स्कॉच आया, बटर स्कॉच, आज तुम्हारा आलू चप यहाँ पकौड़ी भी बन गया है, और यहाँ देखिए मम्मी गर्मा गर्म आलू चप भी बना के दिए दीदी को, सब ये डॉली को पसंद है भाई, आज पसंद का ही खाना इसका बनेगा। और अभिनीश जो आइसक्रीम लाया दिखाओ तो, कौन सा आइसक्रीम है? बटर स्कॉच आइसक्रीम है, अमूल का है, आज का ठीक आइसक्रीम है, अमूल वाला ज्यादा क्रीमी रहता, अच्छा लगता है, अमूल का जो होता है प्योर दूध का होता है, बाकी सब फ्रोजन उसको बोलते हैं। पूछे डाली तुम्हारे खाना क्या बनाएंगे, तो उस समय तो बोली कि हमको भूख नहीं लगा हुआ है, हम कुछ नहीं खाएंगे, बहुत गर्मी लग रहा है, आइसक्रीम मंगा लो, तो हम आइसक्रीम ऐसे अभिनीश लेके आ गया, और देखिए अब आई तो इसको कस के भूख लगा हुआ था, अभी बताइए खाना इसका हम नहीं बनाते तो, खाना भी हम बना, हमको पता है कि आने पर भूख लगेगा। और गाइस देखिए अभी मिशू अब फ्लाइट से आने के बाद नहा धो ली है, अच्छे से वॉशरूम में जाके नहाई है, मम्मा इसकी नहा दी अच्छे से मिशू को, देखिए मिशू को बाबू, देखिए सानवी को देख के बाबू बाबू कर रही है, छोटी बाबू। अब दोनों बहन देखिए आज एक साथ है, पहली बार दोनों बहन आज साथ में मिले, अब उसका बॉटल ले रही है, देखो देखिए सानवी का बोतल है, मिशू सानवी का बोतल है ना, मिशू पहली बार दोनों बहन आज साथ में मिली है, मिशू जूता कर दी,
आज उठा नहीं मिस, फिर कैसे पिएगी सानवी? बाबू बाबू कैसे पिए? नहीं नहीं नहीं, तुमको जूठा नहीं करना है बेटा। चलो इसको थोड़ा पाउडर वाउडर लगा दो भाई, और नाक चिपटा मत करो भाई। नाक चिपा जाएगा तो कैसे होगा? तेल लगा दो, तेल है ना? हाँ, थोड़े से इसको तेल लगा दो, उसके बाद नहीं लगाते। हाँ, सिर्फ ऑयल लगा। अच्छे से बाल को सुखा के पोंछ दो। और इधर देखिए सानवी है, सानवी भी सबका बात सुन रही है। अब थोड़ा सा ये भी बड़ी हो जाएगी तो मिसू के साथ दौड़ेगी, साथ में दौड़ेगी। हाँ, चलने लगेगी तो अच्छा भी लगेगा। अभी तो देखिए लेटी हुई है बेड पे। ये देखो सानवी, सानवी हंस रही थी। हंसती है, बहुत हंसती है, हंसती बहुत है। तो चलिए सब लोग खाना पीना खा लिया है। और देखिए शरारती मिसू को नीचे उतर गई है बेड से। अब काफी करके सब हम लोग बैठे हैं, गप सप करेंगे, हाल समाचार पूछेंगे ससुराल का। बदमाश को कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? देखो बहुत शैतानी करती है, शरारत शुरू हो गई है। इसके लिए हम कैसे बेड उठ सब ठीक करके रखे, सारा बेड को खराब कर दिए मिसू। और उसको फोन करना, वो भी करती है। और नीचे में देखिए कारपेट भी बिछा दिया है, दोनों उसको नीचे में कारपेट बिछा दिए है कि मिसू ज्यादा नीचे में खेलती है। देखिए नटका शरारती को, मिसू का शरारत है। देखिए मिसू का, मिसू बहुत शरारती है। देखो कौन आया है। तो गाइज आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज फिर मिलते हैं कल इसी तरह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।